जैसे कोई काम प्रेजेंट में कर सकते थे तो कहना करना, और ऐसे ही पास्ट में अगर कर सकते थे जैसे कल या उससे पिछले कई एक साल पहले, 2 साल पहले, 20 साल पहले कोई काम कर सकते थे, करने की अगर अपने अंदर कोई क्षमता थी या ताकत थी, कोई काम करने की योग्यता थी या बुद्धिमत्ता थी या जानकारी थी या कौशल था उस काम करने का, कब? भूतकाल में। तो अपन वहां पे किस मॉडल का प्रयोग करेंगे? भूतकाल। जैसे एग्जांपल देखिए, इसमें लिखा था वेन, जब, आई यानी मैं, वाज यानी था, यानी जवान, मैं जब जवान था, तो कौन से टेंस की बात हो रही है? भूतकाल। भूतकाल पास्ट टेंस की बात हो रही है ना, तो पास्ट टेंस हो गया। आई लिफ्ट एंड उठा सकता था ए बैग ऑफ 100 किलो, तो मैं उस समय 100 किलो का बैग उठा सकता था, कब? जब वो क्या था? कौन सा टेंस है? तो पास्ट टेंस में कुछ काम करने की ताकत थी तो क्या आएगा? गुड। दूसरा एग्जांपल देखिए, आई यानी मैं, स्पीक यानी बोलना, फ्रेंच, मैं फ्रेंच बोल सकता था व्हेन, जब, आई यानी मैं, वाज यानी था, 20 इयर्स ओल्ड, 20 साल का था, तो इस व्यक्ति के अंदर फ्रेंच बोलने की योग्यता कब थी? 20 साल। तो अगर योग्यता अभी होती तो कहना था, योग्यता पास्ट में थी तो क्या आएगा? गुड। तो कब बोल सकता था फ्रेंच? जब 20 साल का था। ये तो भी पास्ट में कोई भी क्षमता हो, योग्यता हो, योग्यता या फिर अपने अंदर अभी अभिरुचि, जानकारी, बुद्धिमता, ये चीजें हो तो क्या आएगा? गुड। लेकिन अगर पोलाइट रिक्वेस्ट है और वहां प्रेजेंट टेंस हो तो भी गुड आएगा। आपको इतना ही ध्यान रखना है कि पोलाइट रिक्वेस्ट में गुड आएगा, और पोलाइट रिक्वेस्ट में क्या होगा? आगे खाली जगह होगी, पीछे क्वेश्चन मार्क होगा। आगे खाली जगह होगी, पीछे क्वेश्चन मार्क होगा, और उसमें या तो हेल्प मांगेगा या कुछ चीज मांगेगा। जैसे पहला क्वेश्चन है यू यानी तुम, हेल्प यानी सहायता करो, मी यानी मेरी, तुम मेरी सहायता करो, ये आपसे रिक्वेस्ट की गई है, पोलाइट रिक्वेस्ट, तो आपको हमेशा यहाँ क्या आएगा? गुड। और दूसरा क्वेश्चन यू लैंड, यू एंड तुम लैंड एंड उधार दो, मी एंड मुझे 10 रुपीज, तो मुझे 10 रुपए उधार दो, ये भी आपसे रिक्वेस्ट की गई, पोलाइट रिक्वेस्ट है, क्या आएगा? गुड। इसी प्रकार एक बात और ध्यान रखना, पोलाइट रिक्वेस्ट मैंने ऊपर बनाया, देखो पोलाइट रिक्वेस्ट में क्या होगा? आगे खाली जगह होगी, पीछे क्वेश्चन मार्क होगा, उसमें या तो सहायता मांगी जाएगी या कोई चीज मांगी जाएगी, रिक्वेस्ट की जाएगी, उसमें कुड भी आ सकता है, वुड भी आ सकता है, विल भी आ सकता है। ध्यान रखना, इस प्रकार का जब पोलाइट रिक्वेस्ट क्वेश्चन आए उसमें खाली जगह में आप कुड भी यूज कर सकते हो, वुड भी यूज कर सकते हो, विल भी यूज कर सकते हो, ठीक है ना? तो इनमें से आपको ऑप्शन में से एक दिया जाएगा। जैसे कोई आपको क्वेश्चन इस प्रकार दे दिया पोलाइट रिक्वेस्ट का, और पीछे ऑप्शन ऐसे दे दिए मे, कैन, वुड और शुड, तो आप कौन सा करोगे? वुड, क्योंकि पोलाइट रिक्वेस्ट में वुड होगा। और वुड ऑप्शन नहीं दे रखे और विल दे दे तो क्या लगाओगे? विल। और वुड विल कुछ नहीं दे, वुड लगा दे तो आप वुड लगाओगे।